भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको आंवला नवमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को आंवला नवमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर तथा आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है उसे आंवला नवमी कहा जाता है। इसे धात्री नवमी या कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के नाम से भी इसे जाना जाता है और इस दिन आंवला वृक्ष का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि आंवला के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं और जो मनुष्य आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष का पूजन करता है या फिर आंवले वृक्ष की परिक्रमा करता है या आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करता है उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आती है। तो आंवला नवमी का बड़ा ही दिव्य और महासंयोग है। चूंकि कार्तिक माह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा महीना माना जाता है और वैसे भी आंवला नवमी का जो दिन होता है वो दिवाली के ठीक नौवे दिन आता है। इस नवमी को आंवला नवमी के रूप में हम सभी मनाते हैं तथा आंवले वृक्ष का पूजन अर्चन करके आंवले के नीचे भोजन करते हैं और आंवले का पूजन करने के बाद वहां पर नीचे बाल गोपाल की स्थापना करके उनका भी पूजन किया जाता है तथा आंवले वृक्ष की सफेद रंग के जो सूत होता है उसको लेकर के परिक्रमा लगाई जाती है। इस दिन आंवला की 11 परिक्रमा लगा सकते हैं, 21 परिक्रमा लगा सकते हैं या फिर 51 या 108, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप परिक्रमा यदि आंवला की करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा। और आंवला नवमी की जो मनुष्य कथा पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ में श्रवण करता है उसके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आती है। माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में उसके घर में धन धान्य सब कुछ भर देती है और भगवान कुबेर की भी उनके घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो अब हम आपको आंवला नवमी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। आंवला नवमी की कथा जो धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक आंवलिया नाम का राजा था जो रोजाना सवा मन सोने का आंवला दान करके ही भोजन किया करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो हमारे घर का सारा धन सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। बेटा अपने पिता से कहने लगा कि ऐसे तो सारा धन आप लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना है। और राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर के बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन व्यतीत हो गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाए ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक मैं आंवले का दान नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा
और दान भी वह सोने का आंवला दान करता था। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत्य नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में आकर के कहा कि तू उठ और देख, तेरे महल के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले के पेड़ उग रहे हैं, उठ करके आंवला दान करो और भोजन कर लो। राजा रानी ने उठ करके देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला उसे प्राप्त हुआ और रोजाना की तरह वह लोगों को सवा मन सोने का आंवला दान करने लगा। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया, अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी इनको ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुला करके कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी है, जैसी बात है बता दे। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी सवा मन आंवला रोजाना दान करती थी, हमने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर है, तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा है, यानी हमारी लाज रखी है और पहले जैसा धन वैभव समृद्धि सब कुछ हमें प्राप्त हो गई है। तो भगवान की कृपा से हम आंवला नवमी का व्रत करते हैं और आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष का पूजन करते हैं तथा भगवान नारायण की कृपा से हम प्रत्येक दिन सवा मन सोने के आंवले का दान भी करते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से हमें धन वैभव सुख समृद्धि पुनः प्राप्त हो गई। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते का अपने सारे परिवार का रखना। इस प्रकार आंवला नवमी का व्रत करने से, आंवला नवमी की पूजा करने से तथा सवा मन सोने का आंवला दान करने से राजा रानी को पुनः वैभव प्राप्त हुआ और वह अपने बेटे बहू को भी अपने घर में रख लिया और पूरा सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और इस संसार में उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति हो गई तथा धर्म अर्थ काम और अंत में उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हो गया। इस प्रकार आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष का जो मनुष्य पूजन अर्चन करता है, आंवला नवमी की इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती है और उसके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव हमेशा भरा पूरा रहता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने आंवला नवमी की कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा के निमित्त या फिर कार्तिक माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे नगद राशि हमें पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।